हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलोनी बनानी बताने वाली हूँ। और आप जो है देख रहे हैं कि मैं मैदे में मोहन डालकर उसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसमें हम मिलाएंगे अजवाइन, और बहुत से लोग जो है करैल भी मिलाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर करैल मिलाना चाहें तो करैल मिला लें। और फिर इसमें हम मिलाएंगे नमक। इस तरह हम आटा तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैदे का मेरा आटा है जिसमें मैं मोहन मिलाकर तैयार कर ली हूँ। और इसमें जो है मैं शक्कर घोल कर रखी हूँ, और इसे इसमें मैश करूँगी। और मैश करने के बाद मैं शक्कर पारा बनाऊँगी। ये देखिए, ये हमारा मोहन से तैयार है। अब ये देखिए, हमारा मैदा जो है मुट्ठी बनकर तैयार हो गया है। हमें इतना मोहन मिलाना है कि ये मुट्ठी बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक लोई लेकर और ये सलोनी का जो आटा तैयार किया था उसे हमने बेल लिया है। और बेलने के बाद आप इसे चाहें तो चाकू से लंबा लंबा भी काट सकते हैं, या फिर ये मैंने ढक्कन लिया है और इसमें जो है मैं एक एक ऐसा काटते जाऊंगी, तो इसमें ऐसा डिजाइन बनते जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह हम जो है सारे सलोनी काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ये मेरा सलोनी का आटा बचा हुआ है, तो मैं इसे एक एक ऐसा एक एक इसे मैं सेट करते जाऊंगी। ऐसा सेट करने के बाद ये जो है मैदे का घोल है जो हम इसके बीच बीच में लगाते जा रहे हैं, और इसे जो है हम ऐसा लगा लेंगे और फटाफट जो है इसे हम ऐसा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर जो है पीस पीस काट लेंगे हम इसको। किस तरह से पीस काटेंगे देखिए, मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये हम ये है। अब यहाँ पर हम ऐसा पीस काट लेंगे, और उसके बाद फिर इसे ये ऐसा गोल शेप देकर इसे यहाँ पर ऐसे हम दबा दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दबते जा रहा है। और इसके बाद थोड़ा से हम इसको बेलन की सहायता से ऐसा बेलेंगे। ये देखिए, ये हमारी मठरियां बिल्कुल लच्छेदार मठरियां बनेंगी हमारी। ये देखिए, हम ऐसा बेलकर बिल्कुल पूरा तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसे हम तेल में तलेंगे। देखिए, हमारा शक्कर पारा बनकर तैयार हो रहा है। हम इसे चाकू से ऐसा कट लगाएंगे। इसमें हमें जो है थोड़ा चौड़ा चौड़ा लगाना है, सलोनी की तरह हम पतला पतला नहीं बेलेंगे। और जब ये कट पूरा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे गर्म तेल में तल के निकालेंगे। ये देखिए, हमारा जो है मीठा शक्कर पारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम तेल में तलेंगे। ये देखिए, मेरी सलोनी तलकर तैयार हो रही है। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इतना हमको तलना है। और इसी तरह जो है हमें अपनी ये मठरियां भी तलनी। ये देखिए, मैंने ये मठरियां जो है लच्छेदार मठरियां बनाकर तैयार कर ली। ये देखिए गाइस, मेरी सलोनी बनकर तैयार हो गई है। ये मेरी मठरियां देखिए बनकर कितनी खस्ती बनी है, बिल्कुल लेयर दिखाई दे रही है इसमें। और ये देखिए, मेरे शक्कर पारे भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो गाइस, आप भी जो है इसे एक बार जरूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।